इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें मुंबई के कुर्ला से, जहां पर बिल्डिंग हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। कुर्ला में देर रात 4 मंजिला इमारत गिर गई थी, जिसमें 20 से 25 लोग दब गए थे। 13 लोगों को निकाल लिया गया है, जबकि अब भी कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं। राहत और बचाव का काम वहां पर तेजी के साथ जारी है। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीमें मौजूद है, लोगों को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी जो बड़ी जानकारी मिल रही है, एक शख्स की बिल्डिंग धराशायी हो गई थी, उस हादसे में मौत हो गई है। मलबे में अभी भी 10 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी और अभी पूरी तरीके से जानकारी एनडीआरएफ के पास भी नहीं है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बिल्डिंग में कितने लोग मौजूद थे, क्योंकि तमाम घर थे। एक परिवार में कितने लोग हैं उस हिसाब से कौन लोग घर में मौजूद थे, यह अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन कोशिशें लगातार जारी हैं और एक व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है। कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई भी थी कि एक व्यक्ति को जिंदा निकाला गया था और उसको तुरंत अस्पताल भेजा गया। लगातार वहां पर राहत और बचाव का काम जारी है। और इस बीच बड़ी जानकारी है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है हादसे में। 4 मंजिला इमारत थी कुर्ला के नेहरू नगर में, और ये इमारत कल रात 11:30 बजे के आसपास भरभरा कर गिर गई। 4 फ्लोर्स थे, जिसमें कई मकान थे और उसमें परिवार रहते थे, और इसीलिए अभी अंदाजा नहीं लग पा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी कोशिशें कर रही है कि जल्द से जल्द जो भी लोग मलबे में फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। अंदाजन 20 से 25 लोग दबे हुए थे, जिसमें 13 लोगों को निकाल लिया गया। हर तरफ मलबा बिखरा है, रेस्क्यू टीम राहत और बचाव में जुटी है। तभी मलबे के बीच से एक युवक को रेस्क्यू टीम बाहर लेकर आती है। मौत से जंग जीत कर आया ये शख्स हाथ जोड़कर राहत और बचाव में जुटे जवानों का शुक्रिया अदा करने लगा। तस्वीरें मुंबई के नेहरू नगर इलाके की है, जहां देर रात 4 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। बिल्डिंग गिरने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते बिल्डिंग के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोग भी राहत और बचाव के काम में जुट गए। हादसे की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश में जुट गई। रेस्क्यू टीम रात भर मलबे में फंसे एक एक शख्स की तलाश करती रही। बताया जा रहा है कि हादसे की वजह से मलबे में 8 से 10 लोग फंस गए थे। चश्मदीदों के मुताबिक बीएमसी ने बिल्डिंग खाली करने के निर्देश दिए थे, उसके बावजूद करीब 10 परिवारों ने बिल्डिंग खाली नहीं की। चारों बिल्डिंग्स को नोटिस तो दी थी, लेकिन कई सारे लोग वहाँ रहते हैं अभी भी। पहला हमारा प्रायोरिटी यही रहता कि अंदर कोई ना फंसे, उनको निकाले। देखिए तस्वीरें आपने देखी है, मुंबई की तस्वीरें थी। 4 मंजिला इमारत धराशायी हो गई, जिसमें 20 से 25 लोग दब गए थे। 13 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिनको बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। और एक दुखद खबर ये भी सामने आई है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी राहत का बचाव का कार्य करने में जुटी हुई है। अब तक 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सत्यम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यम, क्या जानकारी मिल रही है? कुछ देर पहले ये बताया गया कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, अभी क्या अपडेट? जी, देर रात 11:30 बजे के करीब कुर्रा ये इलाके में, ये नेहरू नगर है एरिया है, जहाँ पर 4 मंजिली इमारत है, 4 माले की धराशायी हो गई। एक के बाद एक पूरी 2 माला देखेंगे तो नीचे गिर गया है। फिलहाल बचाव कार्य देर रात से शुरू है। एनडीआरएफ की टीम है, मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम है, लगातार सर्च ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। इस बीच आज कुछ देर पहले एक व्यक्ति की जो रेस्क्यू किया गया था। सत्यम, तो अभी भी तस्वीरों में देख पा रहे हैं हम कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सिटी जानिए, कोरिया सिटी। हाँ, शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी
बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।